नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड बडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले एक डिटेल कंपैरिजन सैमसंग गैलेक्सी A50 और A50s के बीच में। A50 का अपग्रेडेड वर्जन है A50s, तो आज इस वीडियो में देखेंगे इन दोनों फ़ोन्स में क्या डिफरेंस है और अगर आपके पास A50 ऑलरेडी है, क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए A50s में, या फिर अगर आप लोग नया फ़ोन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए। A50 चूज़ करना चाहिए जिसका प्राइस ऑलमोस्ट 18,000 हो गया है, या फिर आपको A50s चूज़ करना है जिसका प्राइस है 23,000 रुपीज़। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों प्राइस तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, दोनों ही फ़ोन आप लोगों को ऑफलाइन में मिल जाएगा, ऑनलाइन में भी आप लोग खरीद सकते हैं, ऑनलाइन में भी आपको मिल सकता है फ्लिपकार्ट या अमेज़न में। और उसके बाद अगर आप लोग बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही फ़ोन ऑलमोस्ट सिमिलर लुकिंग है, एकदम सेम टू सेम देखने में है सामने से। और पीछे से अगर देखेंगे पीछे का डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे नॉर्मल शाइनी डिज़ाइन था, नॉर्मल रेनबो इफेक्ट बनता हुआ दिखता था, लेकिन इस बार थोड़ा डायमंड कट जैसा डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया है, साथ में रेनबो इफेक्ट दिया गया है। तो डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम है और बिल्ड क्वालिटी भी एकदम सेम है। बैक पोर्शन प्लास्टिक का बनाया गया है, फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 3, ये सब एकदम सेम टू सेम है। और साथ ही में आप देख सकते हैं डिज़ाइन भी एकदम सेम टू सेम है, यू नॉच देखने को मिल जाता है, साथ में 6.4 इंच का डिस्प्ले और साथ ही में नीचे का बेजल भी आप लोग देख सकते हैं एकदम सेम टू सेम है, कोई भी डिफरेंसेस यहाँ पे नहीं है। हालांकि चेंजेस यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल में यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, कैमरा मॉड्यूल को अगर ध्यान से नोटिस करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आप लोग को देखने को मिल सकता है। कैमरे का लेंस का साइज़ जो है, लेंस का साइज़ थोड़ा छोटा या बड़ा है, उसके अलावा बाकी बहुत सारा कुछ चेंजेस यहाँ पर नहीं है। लुक्स में तो आप लोगों को फ्रंट से देख के पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा फ़ोन कौन सा है, पीछे से अगर आप लोग देखेंगे तो पीछे से पता चल सकता है, लेकिन अगर आप लोग कोई केस यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा फ़ोन कौन सा है। और दोनों ही फ़ोन में एकदम सेम स्क्रीन प्रोटेक्टर और बैक कवर भी लग जाते हैं, जैसे ये बैक कवर आप लोग देख सकते हैं ये गैलेक्सी A50 के लिए था, यहाँ पर मैं इसको A50s में भी लगा सकता हूँ। देख सकते हैं एकदम आराम से फिट हो गया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम परफेक्ट फिट यहाँ पे बैठ गया है। इसका मतलब आप लोग देख ही सकते हैं एकदम सेम टू सेम है बिल्ड और डिज़ाइन, कोई भी चेंजेस यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बिल्ड और डिज़ाइन में तो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं किया गया है और कोई अपग्रेडेशन भी नहीं किया गया है। प्रोसेसर की अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है गैलेक्सी A50 आप लोगों को देखने को मिलता है एक्जीनोस का 9610 प्रोसेसर, जबकि आप लोगों को A50s में देखने को मिलेगा एक्जीनोस का 9611 प्रोसेसर। थोड़ा सा अपग्रेडेड प्रोसेसर है, लेकिन डे टू डे परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो डे टू डे परफॉर्मेंस में आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। एक ऑलरेडी स्पीड टेस्ट मैंने इन दोनों का कर दिया है, लिंक पे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। दोनों ही फ़ोन में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ऐप ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पर ओपन होता है। साथ ही में यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो रैम मैनेजमेंट भी दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं दोनों में 8-कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसका 4-कोर 1.74 गीगाहर्ट्ज़ पे और बाकी 4-कोर 2.31 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है। तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे अगर आप स्कोर को देखेंगे तो यहाँ पे मैंने टेस्ट किया था, आज ही टेस्ट किया था मैंने, और आप लोग स्कोर देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी A50s में। आप लोग देख सकते हैं ये A50s है, A50s में 344 सिंगल कोर में और 1243 मल्टी कोर में आया है, जबकि यहाँ पर A50 में आप लोगों को 354 आया है और मल्टी कोर में यहाँ पे 1249। काफ़ी शॉकिंग है, नया प्रोसेसर होने के बाद भी यहाँ पे गैलेक्सी A50 में बेटर जिगबेंच स्कोर आ रहा है। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं ये किस वजह से हो रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस में इन दोनों फ़ोन में उतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अब रैम और रोम की अगर बात करें, दोनों ही फ़ोन आप लोगों को 4GB और 6GB वेरियंट में देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर बेस वेरियंट में आप लोगों को A50 में देखने को मिलेगा 4GB और 64GB, जबकि आप लोगों को A50s में देखने को मिलेगा 4GB के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज। तो यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों को मिल रहा है। दोनों ही फ़ोन में आप लोगों को ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है, तो अगर आप लोग HD कार्ड लगा के स्टोरेज एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो दोनों ही फ़ोन में आप लोग बुक कर सकते हैं। GPU की अगर बात करें, GPU यहाँ पे मालिका G72 GPU देखने को मिल जाता है और गेमिंग परफॉर्मेंस दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। मैंने दोनों में ही अलग से PUBG यहाँ पे खेला है, PUBG का गेमिंग परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस यहाँ पे मुझे नोटिस नहीं हुआ। दोनों में HDR और अल्ट्रा सेटिंग में आप लोग PUBG खेल सकते हैं, लेकिन HDR अल्ट्रा में खेलेंगे तो आप लोगों को लैग देखने को मिल सकता है। हार्डवेयर में यहाँ पे कुछ चेंजेस की अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को गैलेक्सी A50s में देखने को मिलता है NFC का सपोर्ट, और NFC के सपोर्ट की वजह से आप लोगों को यहाँ पे सैमसंग पे मिनी जो फुल वर्जन है वो देखने को मिल जाता है, जबकि यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ सैमसंग पे मिनी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे फुल वर्जन मिल जाता है सैमसंग पे मिनी, और यहाँ पे सैमसंग पे फुल वर्जन देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग सैमसंग पे को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए डील ब्रेकर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे A50s में आप लोगों को NFC का सपोर्ट और फुल सैमसंग पे देखने को मिलता है।
अब अगर डिस्प्ले की बात करें तो दोनों ही फोन में आप लोगों को सेम 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसका रेजोल्यूशन है फुल एचडी प्लस। और यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं, दोनों का ही काफ़ी अच्छा डिस्प्ले क्वालिटी है और कलर्स भी ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। आप लोग देख सकते हैं साइड बाय साइड वीडियो प्ले हो रहा है, वीडियो में देख के आप लोग बताइए कि किसका डिस्प्ले ज़्यादा बेटर लग रहा है। मुझे तो नॉर्मल आई में दोनों ही सेम टू सेम लग रहे हैं, कोई भी डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो डिस्प्ले भी यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, डिस्प्ले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूआई की अगर बात करें दोनों ही फ़ोन में एंड्रॉयड 9 पाई का सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन गैलेक्सी A50s में आप लोगों को देखने को मिलता है, One UI का वर्जन 1.5 देखने को मिलता है जो एकदम लेटेस्ट है, जबकि आप लोगों को One UI का 1.1 वर्जन देखने को मिलता है गैलेक्सी A50 में। तो यहाँ पे One UI 1.5 में कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, सारे नए फीचर्स के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है A50s के, आप अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वो वीडियो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों ही फ़ोन में बहुत सारे फीचर्स जो है कुछ अलग फीचर्स है, ऑलमोस्ट 10-11 कुछ फीचर्स अलग फीचर्स है, बाकी ऑलमोस्ट सेम टू सेम फीचर्स यहाँ पे दोनों ही फ़ोन में देखने को मिल जाएंगे। और उम्मीद है फ्यूचर में गैलेक्सी A50 में भी 1.5 UI का वर्जन देखने को मिल जाएगा सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ, और ये जो नए फीचर्स है वो नए फीचर्स यहाँ पे A50 में भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कैमरे के बारे में, जिस जगह पे यहाँ पे गैलेक्सी A50s में थोड़ा अपग्रेड देखने को मिला है। कैमरा ट्रिपल कैमरा सेटअप ही दिया गया है, लेकिन यहाँ पे मेन सेंसर को चेंज करके 48 मेगापिक्सल बना दिया गया है, जो कि है सोनी का IMX582 सेंसर, साथ ही में एपर्चर F2.0 रखा गया है। और गैलेक्सी A50 में आप लोगों को देखने को मिलता है 25 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, जिसका एपर्चर है F1.7, तो इसमें लो लाइट फोटोग्राफी थोड़ा बेटर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। हालांकि दोनों में ही नाइट मोड दिया गया है और लो लाइट में नाइट मोड में दोनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लेता है। साथ ही में 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा दोनों ही फ़ोन में देखने को मिल जाता है और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दोनों ही फ़ोन में देखने को मिलता है। फ्रंट में देखेंगे तो फ्रंट में यहाँ पे गैलेक्सी A50 में देखने को मिलता है 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जबकि A50s में आप लोगों को देखने को मिलता है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। तो यहाँ पे फ्रंट कैमरे में भी चेंजेस किया गया है, मेनली कैमरा सेंसर में यहाँ पे चेंजेस किया गया है गैलेक्सी A50s में। अगर आप लोगों को कैमरे के बारे में डिटेल में कंपैरिजन देखना है तो उसका भी वीडियो मैंने बना के रखा है, वो वीडियो भी आप लोग चेक कीजिए, डेफिनेटली वहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। डिटेल में यहाँ पे दोनों ही कैमरे में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मेन जो डिफरेंस है वो है इन दोनों फ़ोन्स के कलर में। यहाँ पे दोनों ही फ़ोन से कैप्चर किए गए फोटोज़ में थोड़ा कलर का डिफरेंस दिया गया है, वीडियो में मैंने डिटेल में दिखाया है, आप लोग जाके उस वीडियो को ज़रूर चेक करें तो आप लोगों को पता चल जाएगा कैमरे में कितना डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलता है और कितना ज़्यादा अपग्रेड यहाँ पे एक्चुअल में हुआ है गैलेक्सी A50s में। अब चलिए बात कर लेते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में। दोनों में ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो दोनों में ही ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा फास्ट या बहुत ज़्यादा स्लो यहाँ पर नहीं है। A50s में गैलेक्सी A50 का फिंगरप्रिंट सेंसर थोड़ा स्लो था जब ये लॉन्च हुआ था, लेकिन अपडेट के बाद ये अभी थोड़ा फास्ट हो गया है और A50s का फिंगरप्रिंट पहले से ही फास्ट आया था, मतलब A50 जितना फास्ट है वैसा ही फास्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी जो नए स्मार्टफोन्स आ रहे हैं मार्केट पे उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो है। चलिए देख लेते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों का कैसा काम करता है और किसका फर्स्ट में अनलॉक करता है। देख सकते हैं दोनों में ही काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे फर्स्ट टाइम गैलेक्सी A50 में फर्स्ट में ओपन हो गया। देख सकते हैं A50s में अभी भी रिकॉग्निशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कभी कभी ये ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, लेकिन A50 में तुरंत अनलॉक कर देता है। देख सकते हैं थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो A50s में अनलॉक नहीं कर पाता है, लेकिन ये प्रॉब्लम A50 में नहीं है। A50 में बहुत सारा अपडेट आया है और उसकी वजह से फिंगरप्रिंट काफ़ी एक्यूरेट बन गया है। लेकिन A50s का भी फिंगरप्रिंट आप लोग देख सकते हैं सही टाइम पे ओपन हो रहा है, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम टू सेम टाइम पे ओपन हो रहा है। देख सकते हैं दोनों में ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, तो फिंगरप्रिंट सेंसर भी यहाँ पे दोनों में उतना डिफरेंट नहीं है, दोनों में ऑलमोस्ट सेम टू सेम फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। फेस अनलॉक भी दोनों का सेम टू सेम एक ही टाइम पर ओपन कर देता है, फेस अनलॉक में भी उतना डिफरेंस देखने को आपको नहीं मिलेगा। बैटरी की अगर बात करें दोनों ही फ़ोन में 4000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी A50 का बैटरी का जो प्रॉब्लम है, बैटरी यहाँ पे बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है, बैटरी यहाँ पे बैकअप ज़्यादा नहीं दे पाता है। लेकिन उसके मुकाबले A50s में मुझे बैटरी बैकअप थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला है, बैटरी बैकअप यहाँ पे फिलहाल तो बेटर है, पता नहीं अपडेट के बाद ये भी बैटरी ड्रेन करना चालू कर देगा कि नहीं, क्योंकि A50 में भी पहले बैटरी काफ़ी अच्छा था, बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा था, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट आने के बाद यहाँ पे बैटरी जो है काफ़ी ज़्यादा जल्दी ड्रेन हो रहा है। अब चलिए फाइनली हम लोग ऑडियो क्वालिटी की बात कर लेते हैं। दोनों ही फ़ोन में आप लोगों को सिंगल स्पीकर देखने को मिल जाता है, साथ ही में डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए देख लेते हैं ऑडियो क्वालिटी किसका बेटर है और किसका ऑडियो ज़्यादा लाउड है।
तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे मुझे लग रहा है सैमसंग गैलेक्सी A50 में थोड़ा ऑडियो बेटर है, थोड़ा लाउड और थोड़ा बेसी साउंड सैमसंग गैलेक्सी A50 में देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पे A50s में अगर आप लोग देखेंगे A50s में उतना ज़्यादा बेस नहीं है और ऑडियो भी स्लाइट लो है। लेकिन ये एक सॉफ्टवेयर अपडेट से फिक्स भी हो सकता है, यहाँ पे उतना भी प्रॉब्लम नहीं है, ऑलमोस्ट सेम टू सेम ऑडियो दोनों में ही देखने को मिल रहा है। स्लाइट बेटर मैं स्लाइट एज देना चाहूँगा सैमसंग गैलेक्सी A50 को। तो दोस्तों फुल कंपैरिजन यहाँ पे ऑलरेडी हो गया है और अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे दोनों ही फ़ोन में बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है। जो मेन डिफरेंस है वो है यहाँ पे NFC का सपोर्ट, साथ ही में यहाँ पे सैमसंग पे का फुल सपोर्ट और उसके साथ 48 मेगापिक्सल कैमरे का इंक्लूजन और 32 मेगापिक्सल का इंक्लूजन। कैमरा यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है और साथ ही में NFC का सपोर्ट ऐड हुआ है। तो ये दो फीचर अगर आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली सैमसंग गैलेक्सी A50s के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी A50 है तो अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ खास अपडेट यहाँ पे नहीं हुआ है। और अगर आपका बजट भी कम है और नया फ़ोन खरीदने की सोच रहे हैं under 20 के अंदर, तो अगर आप A50 खरीदेंगे तो A50 में भी काफ़ी अच्छा पैकेज सैमसंग की तरफ से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे A50 आप लोग खरीद सकते हैं और बिग बिलियन डे आ रहा है, साथ ही में अमेजोन का ग्रेट इंडियन सेल आ रहा है, तो इस ऑफर्स के अंदर आप लोग गैलेक्सी A50 को ऑलमोस्ट 16,000 से 15,000 रुपये के अंदर पा सकते हैं अगर ज़्यादा कुछ ऑफर मिल जाए। लेकिन यहाँ पे गैलेक्सी A50s जस्ट लॉन्च हुआ है तो 23,000 का प्राइस आप लोगों को मिलेगा। अगर आप लोगों को ऑफर मिल भी जाता है तो 1,000 से 2,000 का आपको ऑफर मिलेगा, तो ऑलमोस्ट दोनों ही फ़ोन में फिर भी आप लोगों को 6,000 रुपये का 5 से 6,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलेगा। डिफरेंस जितना है प्राइस का उतना यहाँ पे आप लोगों को प्राइस में परफॉर्मेंस डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, दोनों ही फ़ोन में आप लोगों को ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। मेनली यहाँ पे 48 मेगापिक्सल को सेंसर को ऐड कर दिया गया है, बस वही है और ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। तो मेरी माने आप लोग अभी भी अगर नया फ़ोन खरीदने की सोच रहे हैं तो सैमसंग गैलेक्सी A50 को खरीद सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारा पैसा बच जाएगा और उस पैसे से आप दूसरा कुछ खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये था सैमसंग गैलेक्सी A50 और A50s का एक कंपैरिजन। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।